आज मेरे किचन में बन रहे हैं चीजी पोटैटो कॉइंस। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसके सारे इंग्रेडिएंट आपको घर में से ही मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बॉईल किए हुए दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अभी जैसे ही मैं कहती हूँ कि ऐसी कोई भी रेसिपी बनानी होती है कि कॉइन बना रहे हैं या क्रोकेट्स बना रहे हैं या तो पैटी बना रहे हैं, ये सब में बॉयल आलू ऐसे नहीं चाहिए कि कुकर में डाल के 6-7 विसल हमने बजा दी। बहुत ही कड़क वाले बॉयल आलू चाहिए कि कुकर में डाल के बस 2 ही विसल बजाने के बाद आप कुकर बंद कर दीजिए और आलू का सेंटर थोड़ा सा कड़क रहने दीजिए, वो परफेक्ट है ये रेसिपी के लिए। तो अब ये आलू में मैं ऐड कर रही हूँ, ये कुछ सब्जियाँ है मेरे पास, ये प्याज है बारीक कटे हुए और शिमला मिर्च है, गाजर लिया हुआ है मैंने, धनिया और थोड़ा सा लहसुन लिया हुआ है। अब मैं ऐड कर रही हूँ सूखे हुए मसाले। ये मेरे पास अनारदाना का पाउडर है, ये एक बहुत ही अच्छा खट्टापन देगा। आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाएगा ये मिर्ची पाउडर। अब ये मैंने साबुत वाला धनिया लिया है जिसको हल्का सा रोस्ट करके दरदरा सा कूट लिया है, ये मैंने 2 टीस्पून लिया है। और अब बारी है नमक की। आज ये जो चीजी पोटैटो कॉइंस है ये मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, पर यही रेसिपी आप डीप फ्राई भी बना सकते हैं। अगर डीप फ्राई बना रहे हैं तो बाइंडिंग के लिए आप इसके अंदर सूजी, मैदा, कॉर्नफ्लावर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिंस मैं आज डीप फ्राई नहीं बना रही हूँ तो ये मेरे पास ओट्स का आटा है। नॉर्मल वाले जो क्विक ओट्स आते हैं उसको हल्का सा रोस्ट करके मैंने बस मिक्सी में पीस लिया है, तो ये ओट्स का आटा रेडी है। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबलस्पून लिया है। अब ये स्टफिंग तो रेडी है, आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो एक चीज़ की स्लाइस होती है ना, उसमें से मैंने ये छोटे छोटे राउंडल्स काट लिए हैं। ये जो केक डेकोरेशन करने के लिए जो नोजल्स आती है ना, उससे मैंने ये एक जो स्लाइस थी चीज़ की उसमें से सारे राउंडल्स निकाल दिए हैं। अब मैं कॉइंस बनाती हूँ, हल्का सा ये तेल वाला हाथ में लगा देती हूँ और एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे हम, ऐसे प्रेस कर देंगे और बीच में ये मैं एक छोटा सा टुकड़ा चीज़ का ऐड कर देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा कॉइन बनके रेडी है। बस यही टाइम पे मैं तुरंत ही इसको, ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, मैं इसमें रोल कर देती हूँ। हम शैलो फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छा क्रिस्पी लेयर देंगे। ये देखिए सारे चीजी पोटैटो कॉइंस तो बनके रेडी है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद शैलो फ्राई कर सकते हैं, तो खुलने के बिल्कुल ही चांसेस नहीं रहेंगे। और अगर आप इसको फ्रोज़न करना चाहे और 2-3 दिनों के बाद यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि एक अच्छी सी जिपलॉक बैग में आप यही स्टेज पे फ्रोज़न सेक्शन में इसको रख दे और 2-4 दिनों के बाद डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको सीधा ही शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने एक ये पैन गरम करने के लिए रख दिया है, बस मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और हल्का सा गरम हो चुका है। अब ये पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे वरना पोटैटो कॉइंस डालते ही जल जाएंगे। अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। एक बार ये कॉइन को पलट लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और जैसे ही हम पलट लेंगे वैसे ही इसके ऊपर ये बचा हुआ जो चीज़ है वो मैं रख दूंगी। ये चीजी पोटैटो कॉइंस तो बनके रेडी है, देखिए चीज़ भी कितना अच्छे से ऊपर रखा था ना, वो मेल्ट हो गया है। गर्मा गर्म चीजी पोटैटो कॉइंस तो रेडी है, इसको मैं तुरंत ही सर्व कर देती हूँ। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म चीजी पोटैटो कॉइंस। ये
देखिए अंदर भी बहुत ही अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है। इसमें कुछ ना पसंद हो ऐसा है ही नहीं, चीज़ है, आलू है, ऊपर से ओट्स भी ऐड कर दिया है और डीप फ्राई भी नहीं है। इसे कहते हैं विनर रेसिपी। अमेजिंग।